तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोडियम लाइट का कनेक्शन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा ये सोडियम लाइट होता है, ये हमारा वाट्स के अंदर आता है। जैसे 400 वाट, 250 वाट्स, 150 वाट्स, 100 वाट, इस तरह से अलग अलग वाट्स के अंदर ये हमारा लाइट आता है। तो इन सारे लाइट से कनेक्शन हम कैसे करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, जो हमारा सोडियम लाइट होता है, जब आप सोडियम लाइट को ओपन करिएगा तो उसके अंदर आपको क्या होगा, इस तरह से एक आपको चौक देखने के लिए मिलेगा। आप इसको ब्लास्ट भी बोल सकते हैं, चौक भी बोल सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसको फ्रेंड्स आप जब इस पर देखिएगा, ऊपर में इसमें लिखा रहता है वोल्टेज 220 टू 240 वाट्स, इसमें देखिए क्या लिखा है 250। मतलब जो हमारा ये लाइट होगा, ये जो हमारा टोटल कनेक्शन होगा, ये क्या होगा, हमारा 250 वाट्स के लिए होगा। सेम फ्रेंड्स ऐसे हमारा 400 वाट्स का भी सेम ही रहता है, बस यहाँ पे जो भी वाट्स लिखा रहता है इसी से हमको पता चलता है कि हमारा लाइट कितना वाट्स का है। तो ये देखिए 250 लिखा है, इसका मतलब हमारा ये लाइट 250 का है। अगर वही 400 लिखा होता तो हमारा यहाँ पे 400 का होता। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एम्पियर लिखा है 3, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है 50 फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपके चौक के ऊपर में जितना वाट लिखा रहेगा उतना ही वाट का क्या होगा, आपका सोडियम लाइट होगा फ्रेंड्स। आपको एक चीज बिल्कुल ही ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या आता है, इग्निटर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निटर है, इसके अंदर से क्या है, हमारे यहाँ पे 3 वायर बाहर निकल के आए, रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लैक कलर का। फ्रेंड्स बहुत सारे लाइट्स में जो हमारा इग्निटर होता है, हमारा 2 वायर वाला इग्निटर आता है, तो उसका भी कनेक्शन कैसे होता है मैं आपको इसी वीडियो में उसको भी कवर कर दूंगा, कैसे आपको उसका कनेक्शन करना है। ये जो हमारा इग्निटर है, इसमें हमारा 3 वायर है। अगर आपके पास 2 वायर वाला इग्निटर है तो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा उसका कनेक्शन कैसे करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें तीसरा चीज क्या आता है, कैपेसिटर। जैसे कि देखिए हमारा जो कैपेसिटर है, ये हमारा 42 mFd का है। फ्रेंड देखिए, जो भी हमारा 250 या 400 का जो फिटिंग आता है, HBSB का जो हमारा फिटिंग आता है, लाइट आता है, उसमें आप देखिएगा तो 42 mFd का ही कैपेसिटर लगा रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग 250 का जो उनका लाइट का फिटिंग रहता है, उसमें 36-33 mFd का भी कैपेसिटर यूज करते हैं। उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर 42 mFd का ही कैपेसिटर यूज करिए, एक क्या है, ज्यादा बेटर रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद इसमें चौथा क्या रहता है, एक हमारा होल्डर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा होल्डर है, यहां पे इसका बल्ब लगता है और यहीं पे क्या होता है, इसका वायर कनेक्शन होता है। तो एक ये हमारा हो गया होल्डर। उसके बाद फ्रेंड्स इस ये लाइट के अंदर क्या होता है, हमारा एक बल्ब लगा रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही हमारा एक बड़ा बल्ब रहता है, जो कि हमारा HPSP लैंप इसको हम बोलते हैं, जैसे हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है ये। इसको आप डायरेक्ट 220 सप्लाई दीजिएगा तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये चौक, इग्निटर, कैपेसिटर, सारे चीज को लगा के इस लाइट को जलाना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो हमारा सोडियम लाइट होता है उसके अंदर यही सारा चीज लगा रहता है, इसका आप कनेक्शन कैसे करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका कनेक्शन शुरू कर लेते हैं। अगर आप इसका कनेक्शन करना नहीं जानते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद है आप सोडियम लाइट का कनेक्शन करना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये चौक रहेगा, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है और समझना है। देखिए जो हमारी ये चौक है, इसमें हमारे टोटल 4 पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा कुछ भी लिखा नहीं है, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, इसके ऊपर वाले हिस्से में देखिए आपको इस पॉइंट का नंबर यहाँ पे लिखा रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे NC लिखा है, तो इसका मतलब ऊपर का पॉइंट NC है। नीचे में 240 वोल्ट लिखा है, तो नीचे का पॉइंट 240 वोल्ट होगा। ऐसे ही देखिए ए साइड में ऊपर में कॉमन लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉमन पॉइंट है। इसमें देखिए नीचे में 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब नीचे का जो पॉइंट है हमारा 220 वोल्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही चौक का टर्मिनल पता कर लेना है। उसके बाद देखिए जो हमारा इग्निटर रहेगा, जो कि आपका इग्निटर है, इसमें का जो 3 वायर रहेगा, इसमें से आपको क्या करना है, एक येलो कलर का वायर को लेना है। लेने के बाद देखिए जो आपका चौक का जो 220 वोल्ट वाला टर्मिनल रहेगा, जो कि ये नीचे का टर्मिनल है, इसमें क्या करना है, आपको इग्निटर का येलो कलर का वायर को इसमें बढ़िया से लगाना है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से टाइट कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इग्निटर के वायर को यहाँ पे 220 वोल्ट में लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो हमारा होल्डर रहेगा, इस होल्डर में भी आपको क्या करना है, इस दोनों टर्मिनल के अंदर आपको क्या करना है, 2 वायर का कनेक्शन कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, 2 वायर को सिंपली लगाना है, जैसे कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं, देखिए होल्स में लगा देना है। और लगाने के बाद देखिए जो इसका स्क्रू रहेगा, यहाँ से क्या करना है, आपको बढ़िया से इसको टाइट कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे होल्डर में भी 2 वायर को लगा दिया है। लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे होल्डर में 2 वायर लग चुका है। लगने के बाद देखिए आपको अब क्या करना है, जो आपका एक चौक रहेगा, तो इस चौक में आप ध्यान से देखिएगा, एक आपका कॉमन का पॉइंट रहेगा। जैसे कि देखिए ये नीचे वाला 220 वोल्ट था जिसमें हमने इग्निटर लगाया था, ऊपर वाला देखिए यहाँ पे कॉमन लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉमन का पॉइंट है। तो आपको सिंपली फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका ये होल्डर रहेगा, इसका आपको एक वायर को लेना है और क्या करना है, यहाँ पे जो कॉमन रहेगा, कॉमन वाला पॉइंट में लगाना है। और लगाने के बाद क्या करना है, इसको भी ऐसे टाइट कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमारा यहाँ पे 2 टर्मिनल का कनेक्शन हो चुका है, एक हमारा कॉमन का, एक हमारा 220 वोल्ट का। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा बल्ब का एक वायर बच गया, कैपेसिटर का यहाँ पे 2 बचा हुआ है, और हमारा इग्निटर का यहाँ पे 2 वायर बचा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद अब हमको क्या करना है, देखिए जो हमारा बल्ब का यहाँ पे एक वायर रहेगा, इसको ले लेना है। उसके बाद देखिए आपके जो कैपेसिटर का एक वायर रहेगा, यहाँ पे देखिए हमारा कैपेसिटर का एक वायर है, इसको क्या करना है, इसमें ऐसे जोड़ना है फ्रेंड्स, ठीक है।
जोड़ने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपके इग्नेटर का भी एक वायर ले लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है इग्नेटर का भी एक वायर लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इसी में जोड़ना है, मतलब आपका एक कैपेसिटर का वायर रहेगा, एक आपका होल्डर जिसमें कि बल्ब रहेगा, बल्ब का एक वायर हो जाएगा और एक क्या रहेगा आपका इग्नेटर का हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो तीनों का देखिए हमने क्या किया यहाँ पे आपस में जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आप देखिए जो आप सोडियम लाइट में सप्लाई देंगे, जैसे जो हम अपने सोडियम लाइट को जो फेस न्यूट्रल देंगे उसका देखिए हमारा यहाँ पे दो वायर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस दो वायर में से क्या करना है, आपको एक वायर को सिंपली ऐसे लेना है और इसको भी क्या करना है आपको इसी के साथ बढ़िया से कनेक्शन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसे बढ़िया से पूरा फुल टाइट कर दीजिए और करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे एक टेप लगा के छोड़ देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे हमने किया क्या है, एक अपना होल्डर्स का वायर एक लिया है, एक इग्निटर का, एक कैपेसिटर का और जो हमारा सप्लाई का एक वायर था इसको लेके हमने क्या किया यहां पे आपस में जोड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारा ये कनेक्शन यहां पे हो चुका है। होने के बाद फ्रेंड्स अब देखिए हमारा बच गया एक यहां पे सप्लाई का वायर, एक हमारा कैपेसिटर का वायर और एक हमारा यहां पे इग्निटर का वायर। तो अब हम इनका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए हमको सिंपली करना क्या है, देखिए आपका जो एक वायर बचेगा और कैपेसिटर का जो एक वायर बचेगा इसको क्या करना है, ऐसे आपको कनेक्शन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए हमने यहां पे जोड़ दिया है, यहां पे सप्लाई और कैपेसिटर का एक वायर जोड़ दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो हमारा यहां पे इग्निटर रहेगा इसका भी एक हमको क्या करना है, एक वायर लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमको इसी में जॉइंट कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। जॉइंट करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे टोटल कितना हो गया, तीन वायर हो गया। अब फ्रेंड देखिए जो हमारा ये तीनों वायर है, ये जो हमारा यहाँ पे चौक है जो कि आप देख रहे हैं ऊपर एनसी लिखा है, नीचे 240 वोल्ट लिखा है, तो ये जो हमारा तीनों है ये जो हमारा है 240 वोल्ट में जाके कनेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कर लेना है, अगर ये तीनों वायर एक साथ नहीं घुस रहे तो आप इसमें एक छोटा सा वायर यहाँ पे जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स क्या करिए अपने इस चौक में लगा दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारा 240 जो यहाँ पे वोल्ट लिखा है इसको यहाँ पे ऐसे खोलेंगे और खोलने के बाद क्या करेंगे अपने इन सारे वायर को देखिए इसी के अंदर डाल देंगे, ये आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसमें एक पतला वायर जोड़ के इसमें लगा दीजिए और लगाने के बाद देखिए हम इसको भी यहाँ पे टाइट कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमारा चौक का यहाँ पे पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये फ्रेंड जो हमारा एनसी वाला पॉइंट रहता है इसमें हम कोई भी कनेक्शन नहीं करते, ये हमारा ऐसे आइडल रह जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हमने कैसे कनेक्शन किया है। हमने होल्डर का एक वायर लिया है, सिंपली अपने जो हमारा चौक का कॉमन पॉइंट लगा दिया है। उसके बाद देखिए जो आपका चौक का दूसरा पॉइंट है जो कि हमारा 220 वोल्ट का है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपका इग्निटर का येलो कलर का वायर रहेगा इसको सिंगल क्या करना है 220 वोल्ट वाला पॉइंट में लगा के छोड़ देना है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे बल्ब का जो हमारा होल्डर है इसका जो आपका एक दूसरा वायर जो बच जाएगा इसको आपको क्या करना है, एक आपको बल्ब का वायर को लेना है, एक अपने कैपेसिटर का वायर जो कि हमारा देखिए कैपेसिटर का एक वायर है, एक हमारा इग्निटर का देखिए यहाँ पे वायर है और एक जो हमारा यहाँ पे सप्लाई का वायर है, इसको हम चारों को देखिए क्या किए हैं आपस में यहाँ पे जोड़ के बढ़िया से यहाँ पे टेप लगा दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो हमारा कैपेसिटर का फिर एक वायर बच गया जो कि हमारा रेड कलर का, और जो हमारा इग्निटर का यहाँ पे रेड कलर का, मतलब हमारा कैपेसिटर का एक वायर, इग्निटर का एक वायर और वहीं जो हमारा सप्लाई का एक वायर बचा हुआ था, इन तीनों को हम आपस में जोड़ के जो हमारा चौक का 240 वोल्ट, देखिए यहाँ पे 240 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब ये वाला टर्मिनल 240 वोल्ट का है, हमको क्या करना है इस तीनों को क्या करना है 240 वोल्ट में लेके लगा देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपका सोडियम लाइट का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको एक बार आपको चालू करके दिखा दे रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है हमारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए जो आपका ये होल्डर रहेगा इसमें आपको क्या करना है, जो आपका ये बल्ब था फ्रेंड्स, इस बल्ब को क्या करना है आपको इस होल्डर के अंदर में इसे लगाना है। फ्रेंड्स आपको एक चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखना है, अगर आप 250 वाट्स का चौक यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है 250 वाट का बल्ब ही यूज करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप 400 वाट का चौक यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्या करना है 400 वाट का बल्ब यूज करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा 250 वाट का था, तो यहाँ पे देखिए हमने बल्ब भी क्या किया है 250 वाट का ही यूज किया। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा होगा 250 वाट। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपका चौक 400 का रहेगा, अगर आप बल्ब 250 का लगा दीजिएगा तो वहाँ पे बल्ब क्या होगा आपका अप डाउन जलेगा, मतलब एक मिनट जलेगा बंद होगा, जलेगा बंद होगा। तो इसको आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है, जितना वाट का आपका चौक रहेगा उतना ही वाट का क्या करना है आपको इसमें बल्ब को लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, सप्लाई को चालू करेंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे सप्लाई को चालू कर रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ पे जो बल्ब है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बराबर ग्लो हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा ग्लो हो रहा है। फिर जैसे हम यहाँ पे बंद करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे बल्ब भी बंद हो जा रहा है, और जैसे हम इसको चालू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा बल्ब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स चालू हो जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको अपने सोडियम लाइट का कनेक्शन करना है, चाहे वो कितना भी वाट का होने दीजिए, उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपको इसका कनेक्शन ऐसे ही करना है जैसे कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप वीडियो समझ गए होंगे। फिर भी अगर वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी शिकायत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वहां पर जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।